ये पक्का हाउस मैंने कैसे बनाया है चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव आइडिया। मैं हूं आपकी फ्रेंड अमृता। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पक्का हाउस का मॉडल मेरी बेटी को मिला था हॉलीडे होमवर्क में, तो मैंने सोचा मुझे ये बनाना ही है तो क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं लाई हूँ आप सबके लिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने ये MDF बोर्ड लिया है बेस के लिए और ये एक छोटा सा डिब्बा है, इसे हम हाउस के ऊपर का फ्लोर रेडी करेंगे। इसे हम हर जैसा शेप देने के लिए कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल शेप में पीस कट कर लेंगे और इसे उसे बीच में से मोड़ देंगे और इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चिपक गया है। अब मैंने कार्डबोर्ड के दो पीस कट कर लिए हैं ट्राइंगल शेप में और अब इसको भी हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे खाली जगह पे। देखिए बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पे क्ले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पाउडर डालेंगे जिससे क्ले चिपके नहीं और क्ले को बेलन से रोटी की तरह बेलेंगे जिससे पतली सी लेयर बनके रेडी हो जाए और इसे हम साइडों से कट कर लेंगे और ग्लू से हाउस पे चिपका देंगे। अब हम बाकी की स्ट्रिप बना के उनको हाउस के ऊपर चिपका देंगे और पानी की सहायता से सरफेस को एक जैसा कर देंगे। हाउस का ऊपर का पोर्शन बनके रेडी हो गया है। अब हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगल शेप का डिब्बा लिया है, इस पे भी हम क्ले की लेयर चढ़ा देंगे। अब हमारे दोनों पोर्शन बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको बोर्ड पे चिपका देंगे। अब हम पेड़ बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ये सूखा हुआ प्लांट लिया है। मेरा एक प्लांट सूख गया था तो मैंने उसे यूज़ में लिया है। अब मैंने ये स्पंज लिया है, इसको हम बारीक कट कर लेंगे।
और अब हम प्लांट पे कलर कर देंगे। तो मैंने इस पर ब्राउन कलर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्पंज में कलर ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा फेविकोल ऐड करके इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे, जिससे ये बंच पे अच्छे से चिपक जाए। अब ये ड्राई हो गया है। अब हम बंच पे फेविकोल लगा के इसे चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेड़ बनके रेडी हो गया है। हम इस पेड़ को ग्लू गन से चिपका देंगे। तो ये चिपक गया है। अब इसे मजबूत करने के लिए इस पे मोल्डेड क्ले से एक बेस बना देंगे। तो हम क्ले पे रोटिंग टूल से गड्ढे बना देंगे। अगर आपके पास रोटिंग टूल्स नहीं है तो आप ब्रश के बैक साइड से भी इस पे गड्ढे बना सकते हैं। अब हम हाउस के सामने स्केल से रास्ता बनाएंगे। अब हम हाउस पे कलर करेंगे। तो हमने हाउस पे वाइट एक्रेलिक कलर किया है। जब ये कलर सूख जाएगा तो मैं इस पे ब्लू कलर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कलर हो चुका है और ये सूख भी गया है। अब इस पे मैंने वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन रखा है। तो पहले मैं नीचे बेस पे ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। ग्रीन कलर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जो ये रास्ता बनाया है इस पर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। अब हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। अब हम हाउस पे ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हाउस पे कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे आउटलाइन बनाएंगे। हमारी आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अगल बगल बाउंड्री बनाएंगे। तो देखिए हम बाउंड्री कैसे बनाते हैं। बाउंड्री बनाने के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है। इसे हम बीच में से एक बराबर साइज़ में कट कर लेंगे और इन सब कटी हुई स्टिक को थोड़े थोड़े गैप में एक साथ रख देंगे। फिर इन पे हम जो साबुत स्टिक है उसे चिपका देंगे फेविकॉल से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बाउंड्री बनके रेडी हो गई हैं। अब हम इनको हाउस के चारों तरफ फेविकोल से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाउंड्री सारी लग गई हैं और इनको सूखने देंगे। अब हम झूला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्टिक कट कर ली हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा झूला बनके रेडी हो गया है। इसको हमने पक्का हाउस के गार्डन में लगा दिया है। और ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। हमारा पक्का हाउस बनके अब रेडी हो चुका है। इसमें मैंने मेरी बेटी के टॉयज़ हैं जो यूज़ किए हैं। ये एक मंकी था तो मैंने सोचा इसको भी लगा देते हैं, तो ये भी मैंने इस झूले के ऊपर लगा दिया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताना फ्रेंड्स कमेंट करके। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।